मोदी का काफिला देखिए, यहाँ से अभी अभी गुजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, दोनों तरफ से फूलों की बारिश की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत करने के लिए सुबह सवेरे से यहाँ पर लोग जो है वो इस वक्त मौजूद, नारेबाजी भी दोनों तरफ हो रही है, पीछे योगी आदित्यनाथ भी इस काफिले में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद उन्होंने एयरपोर्ट से रिसीव किया और उसके बाद अब यहाँ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, जहाँ तक हम आपको दिखा पाएंगे लोगों की भीड़ ही साफ तौर पर नजर आ रही है। सड़क के दोनों तरफ, रामपथ के दोनों तरफ आपको लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, यहाँ देखिए पूरा जो पूरी कैबिनेट है योगी आदित्यनाथ की वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कई बड़े मंत्री इस काफिले में मौजूद हैं और अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यहाँ से निकल चुके हैं और किस तरीके से देखिए फूल जो यहाँ लोग लेकर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री के ऊपर, जैसे वो यहाँ से गुजरे उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए हैं और प्रधानमंत्री अब अपने अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। राम मंदिर के सामने यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां की गई थी इस राम जन्मभूमि मार्ग की तरफ, लग रहा था कि हो सकता है शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था और बहुत सारी चीजें हैं जिन वजह से प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं रुके और अब सीधा निकल चुके हैं। लेकिन जब वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की तरफ तब भी वो इसी रास्ते से होकर निकलेंगे। जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं चारों तरफ और मोदी मोदी की गूंज भी यहाँ उस वक्त सुनाई दी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर निकले। आप देखिए जरा कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस मंच पर खड़े हुए, तमाम लोगों को आप देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे और अब यहाँ से ये काफिला आगे बढ़ चला है। बिल्कुल, तो ये काफिला यहां से अब आगे बढ़ चला है और ये लगातार तस्वीरें चप्पे चप्पे की तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप अलग अलग कैमरों के माध्यम से देख रहे हैं। हमने ये खास व्यवस्था आपके लिए की है ताकि आप घर बैठे अयोध्या धाम के दर्शन कर सकें, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कार्यक्रम है उससे जुड़ी हर तस्वीर आप देख सकें, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा कौतूहल है, उत्सुकता है, वो देखना चाहते हैं कि आज अयोध्या कैसी दिख रही है। वो अयोध्या जो किसी जमाने में ऐसा लगता था कि वहां की सड़कें सुनसान रहती थी, रुकने के लिए जो भक्तगण जाते थे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, आज पूरी अयोध्या बदली बदली सी नजर आती है। कई अच्छे होटल खुल चुके हैं, सड़कों को आप देख रहे हैं, चमकती हुई सड़कें नजर आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। यही नहीं, अब तो आप ना सिर्फ हवाई यातायात के जरिए वहां पर पहुंच सकेंगे बल्कि देश भर से कई ट्रेन भी डायरेक्ट अयोध्या के लिए अब पहुंचने वाली हैं। आज इसका उद्घाटन होना है, आज इसकी शुरुआत होनी है और इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे पहले और उस दौरान की ये तस्वीरें, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री कुछ इस अंदाज में वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और धीरे धीरे उनका काफिला अब गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जो राम मंदिर का इलाका है वहां से भी प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 15 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो है और यहां पर तो आप हजारों लोगों को देख ही रहे हैं। देश भर के जो करोड़ों राम भक्त हैं वो न्यूज चैनल के माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है ये देखने में, ये जानने में कि आज की अयोध्या कैसी दिखती है। नई अयोध्या है, बदली हुई है। सरयू घाट पर आप जाएंगे वहां पर भी जबरदस्त इंतजाम अब देखने को मिलते हैं, खासतौर पर शाम को जो आरती होती है, संध्या आरती, और उस दौरान जो लेजर शो वगैरह होता है, अद्भुत छटा अयोध्या की नजर आने लगी है। मैं आपको अब जरा लिए चलता हूं एक बार फिर से अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक भी लगातार प्रधानमंत्री की इन गाड़ियों के काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल अखिलेश, और अभी हम आपको सबसे अहम बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, यहाँ का जो श्रीराम हॉस्पिटल है, श्रीराम जानकी का जो मंदिर है, जितने भी हमको यहाँ के जो 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 जिसे कहते हैं जो ऐतिहासिक और शास्त्रीय महत्व की जो स्मारक इमारतें और जो मंदिर यहाँ नज़र आ रहे हैं, उन सब में एक कॉमन बात देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और वो इस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखिए हम एग्जैक्टली उस जगह से जा रहे हैं, अब आप ये दिखाइएगा प्रभु श्री राम का जो मंदिर है, प्रभु श्री राम का जो मार्ग है, जो द्वार है, जो जो 500 साल की प्रतीक्षा के बाद का जो इतिहास लिखा गया है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मार्ग उसी पथ से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो हमको दोनों ओर जो आम जन है, जो उसका जो आम जनता का दोनों ओर जो उसकी भीड़ है, वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से आगे बढ़ें तो एक बार उनके उनकी निगाहों से उनकी निगाहें एक बार टकरा जाएं। ऐसी भावनाएं हमको नज़र आती हैं, लोग हर्षध्वनि करते हैं, लोग बुलाते हैं और आप सबके हाथों में मोबाइल दिख रहे हैं। हर कोई ये चाह रहा है कि ये जो क्षण है ये उनके मोबाइल में किसी तरह से कैद हो जाए। इस क्षण को और हमको नृत्य करते लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे इतनी भीड़ है, मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री की निगाह जाएगी उन तक, लेकिन वो नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। वो इस बात के लिए हर्षित हैं कि काश एक बार अगर प्रधानमंत्री की निगाह उनकी ओर चली जाए तो इसी में उनका जो ये समर्पण है इसकी पूर्णता उनको मिल जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह जो पुष्प गुच्छ हैं, पुष्प मालिकाएँ हैं, उनकी हमको यहाँ पर त्रिवेणी दिखाई पड़ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो रोड शो है, ये धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ, ये धर्म, राम और भक्ति, ये जो त्रिवेणी है, इन तीनों ही त्रिवेणियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी हर्ष ध्वनि हो रही है। यहाँ पर जो महिलाओं का एक समूह मैं देख पा रहा हूँ, दोनों हाथ उठा करके प्रधानमंत्री का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं, वो अभिवादन कर रही हैं। वो इसमें कुछ हमको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कुछ लाइनें उन्होंने तैयार की हैं। प्रधानमंत्री जब आए इधर से बढ़ रहे हैं, उन लाइनों को गा रही हैं, हर्ष ध्वनि कर रही हैं। जो आसपास की इमारतें हैं उनकी छतों पर लोग उमड़ आए हैं। प्रधानमंत्री का एक 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 तस्वीर प्रधानमंत्री की वो देख सकें इसके लिए। और अभी भी हमको दौड़ते हुए दिख रहे हैं, जो युवा हैं वो साथ साथ में दौड़ रहे हैं कि आगे से वो देख सकें प्रधानमंत्री को। अलग अलग समाज के जो मंदिर हैं अयोध्या में, वो मंदिर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये दोनों ही जो ये अयोध्या के जो दोनों ही रास्ते हैं, दोनों ही ओर के रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही है, वो जय श्री राम की ध्वनि है। और आप सोचिए कितना ये लंबा है, करीब 12 किलोमीटर का पूरा रूट है। और प्रधानमंत्री लगातार हम देख रहे हैं कि जो साइड स्टैंड है उस पर पांव टिकाए हुए। और यहाँ पर देखिए ये क्या हरदोनी पीत वस्त्रों में, यहाँ पर जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो वेद शाखाएं हैं संस्कृत की, उसके ये विद्यार्थी और अध्येता हैं। और ये क्या हर्ष ध्वनि कर रहे हैं, इनकी खुशी का कोई पारावार नहीं है, इनके हर्ष की कोई सीमा नहीं है। इस रोड शो को ऐसा लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि इस रोड शो उनकी आंखों के सामने से लगातार गुजरता रहे और इसको अपनी स्मृतियों में कैद कर लें। जब स्मृतियों में आ जाती हैं छवियां, तो वो स्मृतियां शाश्वत हो जाती हैं। और इसी शाश्वत स्मृति को वो अपने जहन में रख लेना चाहते हैं, अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं। और हम देखिए अब जहां से हम गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली हम ये राम जन्मभूमि का जो पुराना मार्ग है, वो मार्ग जो नया द्वार है, वो द्वार, ये सब इस रास्ते में आता जा रहा है। अयोध्या की शास्त्रीयता दिखाई पड़ रही है, अयोध्या की जो आत्मा है, अयोध्या की जो भक्ति है, अयोध्या का जो कर्म है, अयोध्या का जो अध्यात्म है, वो यहाँ पर इंगित हो रहा है, वो यहाँ प्रतीत हो रहा है। और ये SPG के जवान कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो उसके उस पार रहे, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके फूल प्रधानमंत्री तक पहुँच जाएँ। और देखिए गुलाब की यहाँ पर पुष्प लिए हुए, गुलाब की पंखुड़ियाँ लिए हुए आप सड़क देखेंगे तो लग रहा है कि गुलाब की उसमें एक समानांतर सड़क पर श्रृंखला से बनती जा रही है। इतने लोगों ने अपने हाथों में गुलाब ले रखे हैं और वो प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और ये उनकी भावनाओं की वर्षा है, गुलाब तो सिर्फ उसका प्रतीक है। और हमको यहाँ पर अभी राम भक्त हनुमान की अलग अलग छवियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ये जो भक्ति भाव है, इस भक्ति भाव को परिलक्षित करते हुए लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। राम पथ और धर्म पथ, राम पथ और भक्ति पथ की भी ये त्रिवेणी लगातार भावनाओं की त्रिवेणी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आगे की ओर बढ़ रही है। और यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो हाथ हिला रहे हैं और सुरक्षा बलों के जवान हैं वो भी रास्ते थोड़ा सा किनारे होकर के उनको मौका दे रहे हैं पूरा कि प्रधानमंत्री वो देख सकें। और एकदम नज़दीक से देखिए यहाँ पर एक बार और हम यहाँ से उसके बाद रामपथ से होते हुए हम फिर यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से
लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्र हैं और हाथ इतनी देर से उनके उठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की निगाह कभी भी पड़ सकती है, इसलिए हाथ। और प्रधानमंत्री देखिए, अब हमको यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। रोड शो जो है वो अपने आखिरी चरण में है, अपने आखिरी चरण में ये रोड शो है। और इस समय यहाँ पर जिस तरह से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए उतावले हैं। और यहाँ पर एसपीजी के जो जवान हैं वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वो कवर किए रहें, लेकिन साथ में ये भी हो जाए कि वो प्रधानमंत्री की एक छवि पा सकें। ये भी तो ये रोड शो का जो ठीक सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है उसके ठीक सामने एबीपी न्यूज है। और अब आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ काफिला रुका हुआ है, पिछले 1.5 मिनट से मैं देख रहा हूँ रुका हुआ है, अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री। और लोगों की जो खुशियाँ हैं, जो हर्ष ध्वनि है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री को अब यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुंचना है, रेलवे स्टेशन का वो वहां उद्घाटन करेंगे, अमृत भारत ट्रेनों का, वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि अब ये रोड शो समाप्त हो रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।